बच्चा पैदा करना या ना करना, इसका फैसला पति और पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। इस निर्णय में पति और पत्नी दोनों की बराबरी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पत्नी को यूं ही अर्धांगिनी नहीं कहते। प्रणाम। आओ आओ विनोदी बहन, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? अरे भैया, हम आपके आभारी हैं। पापा जी, क्या बात कर रहे हैं, ये हमारा ही घर तो है। आप कोनो बात को लेके परेशान है का? वो ना रामायण में विभीषण का भी ना तोड़ नहीं, एकदम सत्य है। घर का भेदी लंका ढाए, एक कहावत में का बात कर रहे हैं आप? साफ साफ काहे नहीं कह रहे? हमको तो कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बात जो है अब हद से बाहर हो रही है। का बात कह रहे हैं, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारा बेटा और वो कलंकनी पन्ना लैला मजनू बन गए हैं। हमें तो लगता है बहन कि उस लौंडे में तुम्हारा बिल्कुल भी कोई अधिकार ही नहीं है। मीना, जवानी का बुखार है पापा जी, ये तो हम उतार देंगे। आप तो जानते हैं ना कि कलमुही पन्ना से हम कितना नफरत करते हैं। हम जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसका बुखार उतरते उतरते कहीं ऐसा ना हो कि हम गांव वालों की नजरों से उतर जाएं। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। अरे लेकिन ऐसा रोज हो रहा है। उस लौंडे ने गांव में सबके सामने ऐलान किया अपने प्यार का, और रोज मिलते प्रेम पंछियों की तरह वो गुटरगू गुटरगू करने के लिए। हम उनका आदेश देंगे बाबा जी, हम उनका आदेश देंगे कि उस मुसीबत की जड़ से वो मिले ही ना। अरे माफ करना विनोदी बहन, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। उस लौंडे ने गुक्का गुक्की का निर्माण करके हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। अरे जाल बनाया है उन्होंने हमें फंसाने के लिए, और वो पन्ना उस जाल का मात्र एक छोटा सा धागा है, वो एक छोर है छोटा सा। पापा जी आप का कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। का समझाएं तुम्हें, हैं? का समझाएं? अरे सारे गांव वाले खुशी खुशी वो कुक्का कुक्की का मनोरंजन लेने के लिए शौचालय करने जा रहे हैं। अगर खुले में सोच नहीं करेंगे तो हम गंदगी के नाम पर कब्जा कैसे करेंगे जमीन पर? हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब हटा पर्दा, और वो पन्ना डॉक्टर सिन्हा की पुजारन है। पुजारन? समझ गए हम, ये कलमुही पन्ना हमारे बिटवा को फंसा के हमको और सारे गांव को संदेशा देना चाहती है कि हमारी बिरादरी का कोनो महत्व ही नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे संस्कारन को ललकार रही है वो। अरे वही तो, वही तो। और ये सारे के सारे मिलकर ना इस गांव को नई सोच की तरफ ले जाने का प्लान बना रहे हैं। तो ई माजरा है पापा जी, आपके पास ऐसे कोनो दवा चाहे जड़ी बूटी नहीं जो हम अपने बिटवा के खाना में मिला दे, चाहे दूध में मिला के उके पिलाए दे ताकि उसका मन बदल जाए? जड़ी बूटी किसी षड्यंत्र का तोड़ नहीं होते। षड्यंत्र का तो एक ही तोड़ है बाबा जी, उससे भी बड़ा षड्यंत्र। विनोदी बहन, हमारे विचार कितने मिलते हैं? जी, आप एक बार सरपंच बन जाएं और सारी पावर आपके हाथ में आ जाए तो सारे लोगों का उल्लू सीधा कर देंगे। लेकिन हमारा सरपंच बनना इतना आसान नहीं है विनोदी बहन। वो आप हमरे ऊपर छोड़ दीजिए बाबा जी, गांव के ज्यादातर लोग ना हमरी मुट्ठी में है या फिर कर्जा में डूबे हुए हैं।
जाएंगे कहाँ? हम भी आपसे एक वादा करते हैं, अगर हम सरपंच बने तो आधी पावर आपके हाथ में होगी। बाबा जी, रिमोट तो आप अपने हाथ में रखिए, हम तो बस इशारे पर चलेंगे। कैसी तबीयत है बाबूजी? हाँ भाई, जिसका इलाज डॉक्टर स्नेहा माथुर कर रही हो तो बीमारी की क्या मजाल, एकदम फिट और फाइन। लेकिन एक बात का अफसोस है बेटा। किस बात का अफसोस? वो चौपाल के प्रोग्राम में मैं नहीं जा सका, सारा गांव उसकी बहुत तारीफ कर रहा है। पर बाबूजी, उस प्रोग्राम का असली असर तो तब होगा जब लोगों की बुरी आदतों में बदलाव आए। देखो बेटा, एक बात तो तुम मानती हो ना, प्यासे को कुएं तक ले जाना तुम्हारे बस में है। अब वो पानी पीता है नहीं पीता है ये तो तुम्हारे बस में नहीं है ना। ऐसा नहीं है बाबूजी, कभी कभी प्यासे को समझाना भी पड़ता है कि भाई ये पानी पी लो, इसमें तुम्हारा ही भला है, वरना प्यासे तड़पोगे। हाँ ये सब ठीक है, अभी तो सरकार ने हमारे गांव को सर्टिफिकेट भी दे दिया है, अब हम बन गए वो ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री। वो क्या होता है? इसका मतलब ये है माँ कि अब हमारे गांव के 100% लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब अगले गांव जाएगी तू उन्हें सर्टिफिकेट दिलवाने? नहीं माँ, अभी हमारे गांव में कितना काम करना बाकी है, बहुत कुछ है, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन बेटा एक अच्छी शुरुआत है। बेटा मुझे एक बात बता, तेरी जिंदगी की शुरुआत कब होगी? मेरी जिंदगी? यही तो खामी है तुम डॉक्टरों में, खुद का इलाज करने का ख्याल ही नहीं आता तुम्हें। मेरा इलाज क्या हुआ है मुझे? जैसे तू कुछ जानती ही नहीं। बेटा उम्र हो रही है तेरी, ना ब्याह ना वारिस, मेरे नसीब में ना तू जैसे नाती नातिन का सुख ही नहीं लिखा है। तुम भी अब कौन सी बात लेके पीछे पड़ गई? इतनी अच्छी बच्ची है हमारी, समझदार है, सही समय आने पर वो काम भी कर लेगी। फिर जब अर्जुन को कोई ऐतराज नहीं, वही तो मंगेतर भी कैसा मिला है इसे, पिछले जन्म में जरूर तपस्वी रहा होगा, और ऐसे ही चलता रहा ना तो उसे डॉक्टर स्नेहा मिले ना मिले मोक्ष अवश्य मिलेगा। अरे भगवान, तुम ना भाग्यवान होती ना तो अभी अपने नाती नातिन के साथ खेल रही होती, लेकिन इस घर में कोई है जो मेरी सुनता है? छोड़ो जी, मैं मेरे भगवान के पास जाती हूँ, इस घर में बस वही है जो मेरी कुछ सुन लेते हैं। माँ, बाबूजी, आप समझाइए ना माँ को। उसे तो मैं समझा लूंगा, लेकिन तुम कब समझोगी? बाबूजी आप जानते हैं मैं जो काम करती हूँ उसमें हर रोज एक चुनौती है, हर कदम पर एक दुविधा है। जानता हूं बेटा, तुम्हारा काम और निजी जीवन दोनों ही तराजू के दो पलड़ों के समान है, उसका संतुलन बनाए रखना भी जीवन का एक सत्य है। हर रोज एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, उसे तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता ना। सुन रहे हैं पिता वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। और नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। आज हमारे साथ यहाँ पर
एक खास मेहमान उपस्थित है, हमारे गांव की लाडली बिटिया पन्ना। बुआ जी, मुन्ना भैया नमस्ते, और गांव वालों को मेरा प्रणाम। हाँ हाँ, तो पन्ना। बुआ जी, पन्ना नहीं, अब पन्ना हमारे गांव की आशा दीदी बन गई है। आशा दीदी के लिए तालियां। सारे गांव को हमारे नई आशा दीदी पर गर्व है। भाई, मेरे लिए तो ये पन्ना बिटिया ही रहेगी। क्यों पन्ना बिटिया? बिल्कुल बुआ जी। हाँ तो पन्ना उर्फ आशा दीदी, अब हमें और हमारे सुनने वालों को ये बताओ कि आशा करती क्या है। सेवा, मगर एक खास किस्म की। कैसे बेटा? बुआ जी, आप समझो कि एक नदी के दो तट हैं। इसमें समझना क्या है बेटा, वो तो होते ही हैं। और इसी नदी के एक तट पर वो साधन और सुविधाएं हैं जो सरकार और संस्थाओं ने लोगों के स्वास्थ्य हेतु बनाए हैं, और दूसरे तट पर वो लोग हैं जिन्हें इन साधन और सेवाओं की जरूरत है। इन दो तटों के बीच जो सेतु है उसे आशा दीदी कहते हैं। यही मेरा काम है, या तो उन साधन और सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना, या फिर जरूरत पड़ने पर उन लोगों को इन साधन और सेवाओं तक पहुंचाना। बहुत खूब, बड़ा नेकी का काम कर रही हो बेटा। बुआ जी, हमने पन्ना यानी कि हमारी आशा दीदी से प्रेरित होकर एक दोहा लिखा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाए। प्रेरणा हो तो ऐसी। अब लिखी दिया तो सुना दो। हाँ जरूर। उसको कभी हताशा ना होए, उसको कभी हताशा ना होए, जिसकी अपनी बहन खुद आशा होए। वाह 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 वाह, मुन्ना भैया बहुत अच्छा लिखा है, शुक्रिया। अच्छा बेटी पन्ना, ये पेटी में क्या रखा हुआ? हाँ। बुआ जी, ये एक मस्त पिटारा है। मस्त पिटारा? मतलब इसमें जादू वादू है क्या? इसमें वो जादू है जो औरतों और पुरुषों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। वाह, यानी कि हर मर्ज की दवा, उससे बढ़कर नई सोच की खुराक। अच्छा तो जल्दी खोलो भाई, क्या है इसमें बताओ। बुआ जी, ये मस्त पिटारा है, इसमें से एक एक करके ही जलवा नुमा होगा। तो ये है पहला नमूना। ये तो कंडोम है। हाँ, यानी दो बच्चों के बीच अंतर रखने का सरल उपाय। ये तो बस कॉन्डम की कहानी की शुरुआत है। शुरुआत? मतलब इसकी कहानी भी है? बेशक, क्योंकि जब एक पति कॉन्डम का इस्तेमाल करता है तब वो अपनी पत्नी को एक संदेशा देता है कि मुझे तुम्हारी सेहत की फिक्र है। हाँ, क्योंकि लगातार हर साल बच्चे पैदा होने से सेहत बिगड़ जाती है, ये जानलेवा भी हो सकता है। और ये तो दुनिया का हर मर्द जानता है कि जोरू बीमार तो पूरा परिवार लाचार। कहानी और भी है। कॉन्डम का इस्तेमाल करने का मतलब ये भी है कि पति अपनी पत्नी की मर्जी की इज्जत करता है। वो कैसे? बच्चा पैदा करना या ना करना, इसका फैसला पति और पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। इस निर्णय में पति और पत्नी दोनों की बराबरी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पत्नी को यूं ही अर्धांगिनी नहीं कहते। पति पत्नी की जिम्मेदारी? लेकिन लोगों का तो ये मानना है कि बच्चे भगवान की देन होते हैं। बच्चे भगवान की देन है, इसीलिए तो जरूरी है कि उनका ख्याल रखा जाए, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। और ये तभी होगा जब एक स्वस्थ माँ बच्चे को जन्म देगी और कम से कम 2 साल तक उसका लालन पालन करने के बाद ही दोबारा गर्भवती होगी। पन्ना, तुम हमारे बीच इसी तरह आया करो, और तुम्हारे मस्त पिटारे में क्या क्या है सारे गांव वालों को बताया करो। बहुत बहुत शुक्रिया बुआ जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पन्ना उर्फ आशा दीदी, आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी में एक कंडोम के जरिए हमने एक बहुत बड़ी सीख ली है। बीवी सालों रहेगी प्यारी, अगर मर्द निभाए अपनी जिम्मेदारी, गांव गांव में भजेगा ढिंढोरा, क्योंकि आशा दीदी के पास है
मस्त पिटारा। ये बात इसीलिए तो कहते हैं बुआ जी और मुन्ना अब लेंगे सबकी खैर, सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। क्या ये, क्या ये? पहले नंबर तो तुम उठ के खड़े हो जाओ, बैठने को नहीं बोला है तुमसे। उठो उठो, अब बोलो। इतनी रात को बुलाने का क्या मतलब है? अब यही बात शांति से बैठकर बोलो, धीरे सुनना। बैठ, कहिए। अरे भाई क्या मतलब है इतनी देर से? मजबूर हैं कहने पर तो लो बताते हैं। तुम हो या बुरे सपने, दोनों अक्सर रात को आते हैं। मढ़ो, अगर तुम समझते हो कि तुम्हें यही तो आदत है, बेचैनी है जो तुम्हें मजबूर करती है कि कुछ होने से पहले क्या होगा जानने की कोशिश करना। उसी विषय में बात करने बोला है। क्या क्या बात? भाई तुम पुलिस में रह चुके हो, कानून से वाकिफ हो। अब मुझे नहीं पता ये मेरी गफलत है या तुम्हारे धंधे की मजबूरी, जो भी हो तुम जान। देखो मड़ो कि तुम क्या बोल रहे हो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो बोलना है साफ साफ बोलो, ये घुमा घुमा के बातें मत करो। अरे हम यहाँ तुम्हारे साथ में कोई वक्त गुजारने नहीं आते। बिल्कुल सही पॉइंट की बात यह है दिगंबर सिंह, कि तुम्हें इतना तो पता होगा कि गर्भवती महिला की कोख का निरीक्षण करना गैर कानूनी है। मतलब उसके गर्भ में जन्म लेने वाली लड़का है या लड़की, इस बात का परीक्षण करना जुर्म है, इस अपराध में सजा का प्रावधान है, पता है ना? जानता हूँ, सब जानता हूँ। ये बताने के लिए तुम हमको इतनी रात को यहाँ बुलाए हो? अरे मड़ोक साहब, हम कोई आपके बच्चे के बारे में नहीं बात कर रहे। ना, हमने तो तुम्हें ये बताने बुलाया है कि कानून जो होता है सबका बाप होता है, खास तौर पर तुम जैसे लोगों के। क्या मतलब? गांव के पास हाईवे पर मिडवे पर एक नया क्लिनिक खुला है, खास प्रसूति के लिए। हाँ खुली है, लेकिन तुम कहना क्या चाह रहे? यही, ये भी सुना है कि उस प्रसूति गृह में, उस क्लिनिक में तुम्हारा आधा हिस्सा है और पर्दे की आड़ में गैर कानूनी लिंग परीक्षण का काम चल रहा है। हमेशा की तरह मढ़ोक, आधा सच और आधा झूठ। हाँ यह सही है, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है कि उसमें आधा हिस्सा हमारा है, लेकिन ये भी सही है कि वहां कोई ऐसा वैसा गैर कानूनी काम नहीं है। अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो सच कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक बात तुम भी कान खोल कर अपने दिमाग तक बात पहुंचा लो कि पुलिस की नजर तुम्हारे उस क्लिनिक पर, क्या नाम है, सुधा क्लिनिक पर है। वाह वाह मड़ोक साहब, अब जब आपकी निगरानी हमारे ऊपर में है तो फिर हमें किस बात का गम? अब हम इत्मीनान से सो सकते, अब हम चले। हाँ, कैसे रोक सकते हैं भाई दिगंबर आपको, लेकिन याद रखना कि आप जिस राह पर चलने के लिए निकले हैं वो घूम फिर कर यहीं लेकर आएगी आपको। वाला बहरहाल आप अभी जा सकते हैं, पर अगर आप कहें तो आपके साथ हम एक हवलदार पहुंचाते हैं, हो सकता है आप अकेले घर ना जा। इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। जय जय। स्नेहा। जी बाबू जी। बेटा ये पन्ना का फोन है, कुछ अर्जेंट बात करनी है। मेरा फोन? वो तुम सो रही थी तो तुम्हारी माँ ने स्विच ऑफ कर दिया था, बात कर लो। हेलो पन्ना, क्या हुआ? स्नेहा दी आप प्लीज जल्दी आ जाओ वरना ये बच नहीं पाएगी। क्या हुआ पन्ना?
आज हमने देखा कैसे पन्ना ने अपने हादसे से उभर कर आशा दीदी का ओहदा पाया, और आज पन्ना ने मस्त पिटारा के बारे में जो बातें बताई उनमें हम सब के लिए एक सबक है। औरत और मर्द अलग ज़रूर है, पर उनके बीच रिश्ता हमेशा बराबरी का ही होना चाहिए। इनमें ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना ताकतवर ना कमज़ोर। और एक बात गौर करने वाली, क्या मोती की माला में से कोई एक मोती ये कह सकता है कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण? घर, परिवार, समाज, संस्कार, ये सब भी एक ही मोती की माला में पिरोए मोती हैं। अगर ये माला टूट जाए तो हार की कोई कीमत नहीं। पन्ना और उसका मस्त पिटारा, अभी तो बस शुरुआत है। देखिए उसमें से और क्या क्या निकलता है। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।